आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं आप सब लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे आप सब लोगों ने टाइटल और थंबनेल से जान लिया होगा कि आज मैं भगवती देवी कामेश्वरी योगिनी के द्वारा प्राप्त एक ऐसी विद्या के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ तथा उसकी साधना विधान आदि के ऊपर ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो कि अत्यधिक रहस्यमय और बहुत आसान है, जिसकी सिद्धि करने के बाद मनुष्य अपने जीवन में खुद परिवर्तन देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं देवी के द्वारा प्राप्त इस कामास्त्र विद्या के ऊपर। ये पिछले साल की नवरात्रि का बात है, शारदीय नवरात्रि में, जब मेरा जो गुरु भाई हैं वो हम सब लोग बैठे थे और बैठने के बाद ऐसे चर्चा चल रही थी। शाम का वक्त था, थोड़े टाइम के बाद साधना आदि भी चालू होने वाले थे, सब लोग इधर ही मौजूद थे हमारे पास ही। चर्चा चलते चलते उनमें से मेरे एक गुरु भाई हैं, तो उन गुरु भाई को जो है भगवती देवी कामेश्वरी योगिनी की सिद्धि है। ये आठ प्रमुख महायोगिनी में से, जगदम्बा काली की जो आठ प्रमुख महायोगिनी हैं उनमें से आती हैं। तो माँ का विग्रह है तथा इनकी सिद्धि हमारे जो मित्र हैं तथा मेरे गुरु भाई हैं उनको प्राप्त है। तो अचानक से ये एकदम चुप हो गए बात करते करते ही और उधर से उठ के चले गए। तो ये एक तरह का हमको और लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये उनके साथ कई बार होता रहता है, तो हमको पता है कि शक्तियों का कुछ इशू होने के कारण वो उससे उठ के चले जाते हैं। तो वो सीधा उठ के चले गए थे जो गार्डन की ओर। तो गार्डन में 5-10 मिनट उधर बैठे ध्यान मुद्रा में, और ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद वो फिर अचानक से चले आए। चले आने के बाद हमारे जो गुरु भाई थे सबके साथ बात हो रही थी, तब उन्होंने हमको बताया कि देवी के द्वारा, जो कामेश्वरी योगिनी देवी हैं उनके द्वारा अभी 3 प्रकार की विद्याएं प्राप्त हुई हैं। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि आपको सिद्धि भी और देवी ने आपको दिया है। तो उन्होंने बोला 2 विद्याएँ ऐसी हैं जिन विद्याओं को पब्लिक किया जाएगा, और 3री विद्या जो है वो खुद उनकी पर्सनल कोई विद्या है जो उनको देवी ने अलग से दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, तो बताइए क्या क्या है। तो उनका जो पहला विद्या था वो था यही कामास्त्र विद्या, दूसरा जो विद्या था वो एक शक्ति का प्रत्यक्षीकरण का विधान था, जहाँ पे उस शक्ति को 1 दिवसीय में प्रत्यक्ष किया जाता है उसका था, और तीसरा विधा उनकी खुद कुछ निजी साधनाओं का था जो उन्होंने हमको बताया नहीं। तो मैंने बोला अति उत्तम। तो उन्होंने जैसे बताया कि कुछ शक्ति की साधना के बारे में, तो उन्होंने बताया जो कि प्रत्यक्षीकरण का था, जो कि हम इधर पब्लिक करना नहीं चाहेंगे क्योंकि कुछ शक्तियों का गोपनीयता भी रहना जरूरी है। अब मेन बात करते कामास्त्र विद्या के ऊपर। जब उन्होंने कामास्त्र विद्या के ऊपर बात किया, तब उन्होंने बताया कि ये विद्या मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे जो मेरे गुरु भाई थे उन्होंने बोला कि ये विद्या मैं आपको दे रहा हूँ, आपके शिष्य भी हैं तथा आप अपने जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, यूट्यूब चैनल भी, आप उसमें एक काम करिए, इस विद्याओं के बारे में ज्ञान दीजिए लोगों को। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को बता दीजिए। तब उन्होंने वो सारी विद्याओं को मुझको बताया था। मुझको बताने के बाद फिर एक बात है, एक हमारे पास एक व्यक्ति आए थे जिनको अपने जीवन में बहुत इशूज था, स्कैनिंग करवाया उन्होंने। स्कैनिंग करवाने के बाद उनका मेन जो इशूज था वो कुंडली के था, कोई नेगेटिविटी या फिर कुछ उनके ऊपर नहीं था। तो उन्होंने कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद मैंने बोला कि देखिए ये इशू है, और सारा स्कैनिंग हो गया, आपके घर में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो कुंडली का है। और तभी उन्होंने बोला कि आचार्य जी कुछ ऐसा साधना दीजिए जिससे मेरा जो समस्याएं हैं वो जल्द से ठीक हो जाएं, क्योंकि एक तो नौकरी करने वाले व्यक्ति थे और एक बैचलर थे, उनका भी शादीवादी नहीं हुआ था, शादी के लिए भी उनके घर वाले परेशान हो रहे थे, साथ ही साथ वो बैचलर होने के कारण नौकरी में भी उनको बहुत सारा इशूज हो रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप जैसा बताएंगे मैं उसे करूँगा, आप बताइए। तो मेरे को याद आया उस कामास्त्र विद्या के बारे में, तो कामास्त्र विद्या का साधना विधान मैंने इनको दे दिया कि आप जाइए इसको करके देखिए वो क्या होता है। तब उन्होंने वो कामास्त्र विद्या का साधना किया था, और उन्होंने जो साधना किया है उसका अनुभव हमको बकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजा है, और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग आपके सामने भी प्ले कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा उनका कैसा अनुभव रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सिंह है। मैंने आज से कुछ समय पहले महाराज सोनू आचार्य जी से एक कामास्त्र साधना विद्या प्राप्त करी थी। इसको प्राप्त करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि मैं अपने सहकर्मचारियों के साथ में कार्य करने में पूर्ण रूप से दुर्बल हो चुका था। वह मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे।
और मुझे बार बार दबाव डाला करते थे ताकि मैं अपने कार्य को छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, नौकरी छोड़ के चला जाऊं। परंतु मैंने अपनी इस परेशानी को महाराज सोनू आचार्य जी के समक्ष धरा तो उन्होंने मेरे को इसका मूलभूत साधन दिया ताकि मैं इस परिस्थिति से बाहर आ सकूं। वह इसी प्रकार मेरा प्रेम क्षेत्र भी नील था, जीरो था, क्योंकि मैं किसी भी लड़की से बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाया करता था। तो सोनू आचार्य जी ने मुझे एक कामास्त्र विद्या प्रदान करी जिसका अंदर उसका मंत्र भी बहुत ज़्यादा अचूक व अनमूल्य था। मैंने उस मंत्र को जाप करा जिसका मुझे 7 दिन के अंदर ही मुख्य प्रभाव देखने को मिला, जिससे जाप करने के कारण मेरे अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, विशेष प्रकार के सम्मोहन, विशेष प्रकार का आकर्षण आया। जिस लड़की को मैं चाहता था उस लड़की ने मुझसे आगे से आके बात करी। अभी मुझे इस मंत्र को जाप करते हुए बहुत ज़्यादा अचूक व अनूठे हैं। मैं सोनू आचार्य जी से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली। इस मंत्र का जाप करने के बाद में मुझे मेरे सहकर्मियों से भी परेशान करना बंद करवा दिया गया, वह वो भी आज के समय में मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मिलकर कार्य करते हैं। वह मेरी किसी से भी इस प्रकार की दुश्मनी नहीं रही। इस साधना के बहुत सारे और भी मुख्य फायदे थे जब उन्होंने मुझे करवाया। मेरा आकर्षण बहुत ज़्यादा कम था। ऑफिस में मुझे मेरे बॉस भी जो हैं वो बहुत कई बार परेशान किया करते थे, लेकिन जब से मैंने साधना करी है तो मुझे अपने ऑफिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित रूप से देखा जाता है। सोनू आचार्य जी से मेरी बहुत बहुत निवेदन है कि मुझ पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वह जिस प्रकार उन्होंने ये सब साधनाएं मुझे प्रदान करवाई हैं अभी तक, इसी तरह वह आगे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री महाकाल। तो आप सभी लोग जैसे सुने कि उनके जीवन में किस तरह से उन्नतियाँ हुई, धन प्राप्ति आदि के अवसर खुले, तथा उनके जीवन में उनका जो प्रेम संबंध था वो ठीक नहीं हो रहा था, या फिर प्रेम संबंध से रिलेटेड जो उनके जीवन में परेशानियाँ थीं वो परेशानियाँ भी उनका ठीक होने लगा है। तो देख सकते हैं कि ये कामास्त्र विद्या कितना तीव्र है, क्योंकि ये एक तो देवी के द्वारा दिया गया है, और दूसरा थिंग ये है कि देवी के द्वारा प्रदत्त होने के कारण ये अत्यधिक तीव्र है, और साथ ही साथ इसका एक अधिकार बनता है। हालांकि कुछ जो मंत्र हैं जो इसमें कामास्त्र के प्रयोग किए गए हैं वो मंत्र आपको अवेलेबल हो जाएंगे, किंतु इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, अधिकार का बात। नवारण मंत्र भी नेट पे अवेलेबल है, किंतु नवारण मंत्र का जो व्यक्ति दीक्षा लेता है या फिर देता है, जो लेता है उसको कितने तीव्र अनुभव होते हैं और जो देता है उसको उसको क्या करके देता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अधिकार और अनाधिकार का बात आ जाता है यहीं पे। तो जो कामास्त्र विद्या है ये पूर्ण रूप से कामदेव का एक अस्त्र विद्या है। कामदेव जो हैं वो प्रेम के और सुख के देवता हैं या फिर ऐश्वर्य के देवता हैं। इसी इन्हीं का अस्त्र विद्या को कामास्त्र विद्या के नाम से जाना गया है। इस विद्या की साधना से मनुष्य के जीवन में अगर प्रेम उत्पत्ति नहीं हो रहा हो, जो लोग अपनी एक प्रेमिका चाहते हैं या फिर प्रेमी चाहते हैं उनके जीवन में प्रेमिका फिर प्रेमिका उपस्थिति होता है। जिनके जीवन में धन का मार्ग नहीं खुलता है वो लोग धन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का जो जीवन में निजी परेशानियां चलती हैं, कुछ विशेष रोगों के कारण चलती हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से हो, किसी भी प्रकार के रोग से हो, वो रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है तो वैसे परिस्थिति में ये रोग भी ठीक कर देते हैं। कारण ये काम शक्ति के देवता होने के कारण संपूर्ण काम शक्ति का जो अधिकार है वो पूरे शरीर के अंगों में आता है। इसीलिए इस साधना के वजह से जिन साधकों का रोगों भी ठीक नहीं हो रहे हैं, जो पुराने रोग हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक इसका अनुभव हमने देखने को मिला है। तो आप सभी लोगों के सामने इनका अनुभव था जैसे मैंने आप सभी लोगों को सुनाया। आज ऐसे कामस्त्र विद्या का जो एक ग्रुप है हमारे द्वारा चालू किया जा रहा है, जिन साधकों को जुड़ के साधना करनी है कामस्त्र विद्या की, वो साधक लोग जुड़ के कामस्त्र विद्या का साधना कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, इसका जो दक्षिणा है वो है 2600 रुपीज़, अर्थात 2600 रुपये। आप इतना दक्षिणा पेमेंट करके आप जुड़ के हमसे साधना प्राप्त करके उस ग्रुप में रह के साधना कर सकते हैं। A to Z आप सभी लोगों को गाइड किया जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है मैं बता दूं। आपको ये साधना प्राप्त कैसे करना है, फिर उस ग्रुप में जुड़ना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद मेरा उसमें आईडी होगा सर्वानंद बोल के, तो उस आईडी में आपको मेरे को मैसेज करना है,
मैसेज करने के बाद मैं आपको क्यूआर कोड दूंगा, क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दीजिए। स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको मैं उस ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। ज्वाइन करने के बाद उधर आप देख के साधना जो पीडीएफ है पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको, उस हिसाब से आप साधना कर सकते हैं। साधना से रिलेटेड ए टू जेड गाइड हमारे द्वारा किया जाएगा। चाहे अगर आप साधना ना समझ पाए तो आपको वीसी हो या फिर पर्सनल कॉल हो उसमें लेके भी हम आपको साधना विधान समझा देंगे। और ध्यान दीजिए एक और बात, टाइम पास के लिए मुझको मैसेज मत करिए। जिन लोगों को सीरियसली ये साधना करनी है वो लोग मैसेज करें, और बार्गेनिंग नहीं करना, क्योंकि इधर बार्गेनिंग नहीं चलती है। साधना के कुछ चीज़ें जो हैं फिक्स होती हैं। जैसे मैं बता दूँ, इस साधना में जो 2400 रुपये हम ले रहे हैं उनमें से जो 1100 रुपये है वो हमारे आश्रम को जाता है, जहाँ पर आश्रम निर्माण और हमारा गुरु सेवा होता है। दूसरा 500 रुपये हमारा खुद का रहता है, जो दक्षिणा हमारा रहता है। और बाकी जो बचा, जो देवी ने इस साधना को दिया था उनके नाम का यज्ञ और भोग उन शक्ति को जाता है। ये हम पहले ही बता दें, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने ये जो रेट है डिसाइड किया है, इसके अलावा हम रेट डिसाइड नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बार्गेनिंग नहीं होगा, जो आपका दक्षिणा निर्धारित किया गया वही दक्षिणा देके आप इस ग्रुप में जुड़ के साधना विधान प्राप्त कर सकते हैं। 101% आपके जीवन में उन्नति होना तय है अगर आप सही तरीके से साधना करते हैं तब। उसके बाद जिन लोगों के शादी के भी इश्यूज हैं, शादी नहीं हो पा रहे, उन लोगों को भी शादी इससे हो जाता है या फिर शादी का जो मौका बनने लग जाते हैं। तो जिनको इच्छा है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करिए, मुझको पर्सनल मैसेज करिए, पेमेंट करिए, ग्रुप में जोड़ दूंगा, साधना विधान उदान दे दिया जाएगा, आप उधर जुड़ के ये साधना को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, यही था प्रोसेस, यही था आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को बस से एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, अवश्य जाकर उधर फॉलो कर लें, उधर भी आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ये था कुछ आज का वीडियो, सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।